एक मिनट बेटा, स्वराज तू भी जा उसके साथ, तू रहेगी तो वो कंफर्टेबल रहेगी वहां। स्वराज जल्दी आओ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। उसने फिर से झूठ बोला मुझे, तुम कब झूठे हो? संस्कार वो आ जाएगी बेटा, तुम तब तक दवाई लगवा लो। उत्तरा जाके दवाई लेकर आओ ना, आदर्श तुम डॉक्टर को बुलाओ। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, अगर कोई गया तो मैं फिर से अपना हाथ काट लूंगा। नहीं, नहीं, नहीं संस्कार, नहीं ऐसा मत करना। नहीं नहीं, कोई नहीं जा रहा यहाँ से। देखो बड़ी वाली सुई साथ पे आ गई है और वो अभी तक नहीं आई। कहाँ है वो दोस्त? अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी। भाई संस्कार, ये क्या कर रहा है? संस्कार बच जाएगी। दूर हट तू गंदी औरत, मुझे तुम नहीं, मुझे मेरी दोस्त रागिनी चाहिए, मुझे रागिनी चाहिए अभी। अब जख्म कैसे? ये आपको क्या हुआ? कैसे लग गई? इतना खून, क्या हुआ? आप आइए वहां बैठिए, चलिए। रानी, बैठिए। दिखाइए, ये कैसे लग गया? मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। आदर्श, संस्कार के लिए जो नींद की दवाइयां दी थी वो ले आओ प्लीज। मैं और सुजाता भी आते हैं दूध लेकर। हाँ हाँ, चलो सुजाता। बहुत बुरी बात है, अच्छे बच्चे ऐसे करते हैं क्या? मैं अभी आती। बहुत दर्द हो रहा है, अभी सब ठीक कर देते। बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया। भाई तुझे उससे प्यार हो गया? तू उससे प्यार करने लगा है लकी? आज मैं लक्ष्मेश्वरी को ऐलान करता हूँ कि रागिनी का जोधिया अभी भी मेरी मंगेतर है और मैं उसी से शादी करूंगा। रागिनी, उत्तरा ने ये आइस पैक दिया है, इससे दर्द में आराम मिलेगा। सबके सामने लक्ष ने रागिनी का रिश्ता स्वीकार किया है, अरे उसमें थारे को क्या दिक्कत है? माँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि लक्ष ने ये सब दबाव में आकर किया है और जिंदगी भर के रिश्ते ऐसे जबरदस्ती नहीं बनते। माँ सुन, तू तुम्हारे को रिश्तों के बारे में भाषण ना ही दे तो अच्छा है। अरे तूने खुद मारे से जबरदस्ती तो रिश्ता जोड़ा हुआ है। क्यों शर्मिष्ठा, क्यों तुम्हारी लाडो की खुशियों के पीछे पड़ी हुई है इस तरह? माँ मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। झूठ ना बोल, मारे को पता है थारे से बर्दाश्त ना हो रहा है कि मारी लाडो का घर बसने जा रहा है, इसीलिए इतने नाटक कर रही है। माँ क्या हो रहा है?
क्या बात है, मतलब आखिर में तुमने अपना आंसर खुद ही ढूंढ लिया। क्या फिल्मी तरीके से तुमने रागिनी को प्रपोज किया। गुड जॉब। ऐसे क्या देख रहे हो डम्बो? मुझे पहले ही पता था कि तुम किसी दोस्त की बात नहीं कर रहे हो, तुम अपनी और रागिनी की बात कर रहे हो, है ना? एक बात बताऊं, मुझे ना पहले बहुत चिढ़ होती थी कि तुम जैसा डफर मेरी बहन की लाइफ में आया। मैं बहुत खुश हूं कि तुम जैसा स्वीट और केयरिंग इंसान मेरी बहन से शादी करेगा। लक्ष्य, इतना कुछ होने के बाद भी तुमने पूरी बाड़ी के सामने रागिनी को अपनाया, थैंक यू वेरी मच। देखो कितनी खुश है वो। प्रेक्षकर, पूरी बाड़ी के सामने लक्ष्य ने सीना ठोक कर रागिनी के रिश्ते को हां किए। और थारी घरवाली है कि माँ, वो तो आपके जिद के वजह से उसने हाँ की। हाँ तो जिद की है मैंने, ऐसे कैसे किसी अनजान के घर अपनी लाडो को भेज दें, ऐसी आदत ना है हमारी। एक शेखर, थारी घरवाली है ना। एक मिनट, ये तुम क्या कह रही हो मिष्टी? तुम माँ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? भले ही माँ की जिद की वजह से हुआ हो, मगर तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए ना कि हमारी रागिनी की जिंदगी में खुशियां फिर से वापस आ रही है। मैं तो खुश हूं, लेकिन मुझे पता है लक्ष्य के पापा इस रिश्ते के लिए कभी हामी नहीं भरेंगे। पर हमें उन्हें मनाना होगा जीत जी, आखिर लक्ष्य ने सबके सामने रागिनी को अपनी मंगेतर माना है। आंटी, मुझे लगता है आपको दूध स्टील के ग्लास में देना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत? आंटी, ये कांच का है ना, उनसे कांच का ग्लास टूट सकता है। तुझे अकड़ ना आएगी? तू तो पहन के रसोई घर में घुस गई। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं गलत नहीं, मैं सब कुछ सही समझ रहा हूँ और सब देख भी रहा हूं कि शादी के अगले ही दिन अपने बेटे और बहू को लड़वाने की कोशिश कर रही। चौंकिए मत मां, स्वरा का मैसेज मुझे आ गया था। यहां जो कुछ भी हुआ है वो मुझे पता चल गया है। मां शायद शर्मिष्ठा ठीक कह रही है, हो सकता है लक्ष्मी ने अपने भाई को बचाने के लिए ऐसा किया हो। शेखर, मां इस उम्र में आपको ये सब करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। आपको रिश्ते तोड़ने की नहीं, जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ए पुष्पू, ए पुष्पू, आज कॉमेडी नाइट का एपिसोड बहुत अच्छा हुआ ना? हमार तो कपिल को बहुत अच्छा लगता है। मैं देकर आती हूं, चिंता मत करो, मैं इनसे बात करूंगी। आप उन्हें मनाने की चाहे कितनी भी कोशिश कर ले जीजी, पर मैं अच्छे से जानती हूँ कि भाई साहब कभी ना मानेंगे। पर कोई बात नहीं, हमारे लिए वो भी अच्छा है। भाई साहब, आज आपकी वजह से हमारे बेटे की ये हालत हुई, इसका परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा। अब आपके बेटे का रिश्ता उस रागिनी के साथ जोड़कर मैं आपको इस घर की चौकट के अंदर कभी ना आने दूंगी। आंटी संभाल के। हाँ मैं ठीक हूँ। बहुत परेशान लग रही हो।
ऐसी कोई बात नहीं। सॉरी आंटी, मेरा वैसा कोई इंटेंशन नहीं था, पर मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी। आपको डर है ना कि अंकल इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेंगे? पर आंटी, अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं एक बार उनसे बात करना चाहती हूँ। नहीं सुरा, बिल्कुल नहीं, वो बहुत नाराज हो जाएंगे। हाँ आंटी, तो क्या हुआ, वो बड़े हैं, वो डांटेंगे तो मैं उनकी डांट खा लूंगी। और वैसे भी बच्चे गलतियां करते हैं, अगर उन गलतियों के पीछे उनका इंटेंशन अच्छा हो ना, तो कोई भी गलती माफ की जा सकती है ना? बातें बहुत अच्छी करती आंटी, काम उससे भी ज्यादा अच्छा करती हूँ, आप बस मुझे एक चांस दे दीजिए। तुम क्यों इन सब उलझनों में पड़ना चाहती हो? ये उलझन नहीं है, ये मेरी बहन और मेरे बेस्ट फ्रेंड की जिंदगी का सवाल है, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। प्लीज आंटी, एक चांस दे दीजिए। ठीक है, कोशिश करके देख लो। थैंक यू सो मच। सॉरी, अब आप देखना मैं कैसे सब कुछ ठीक कर देती हूँ। अरे सॉरी माँ, ऐसा गजब मत करो मरोरन का बहू, मुंह जैसा बांगरीनों से माफी मांगते हो। माँ तुमने गलती की थी ना, तो फिर हम ही सॉरी बोलता शर्मिष्ठा। माँ वो मेरा ससुराल है, मेरा घर है वो, और तुम्हीं ने तो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है ना वहां जाने के लिए। अब तुम ही मुझे ताने मारोगी तो मैं कैसे खुश रहूंगी माँ? ज्यादा लेक्चर दी भी ना शर्मिष्ठा। माँ आज के बाद ना तुम मुझे कभी भी शर्मिष्ठा नहीं बुलाओगे, ये वादा करो। और अगर तुमने ये वादा तोड़ा ना तो क्या करें, तो मैं शोरू से तुम्हारी शिकायत करूंगी। चलती हूँ। गुड बॉय। दूध पी लिया इसने? संस्कार, अब बहुत देर हो गई है ना, अब तुम सो जाओ। तुम दूर जाओ, तुम जाओ यहां से। आंटी अब मेरे साथ बाहर चलिए, रागिनी है ना वो संभालेगी। संस्कार बहुत देर हो गई है ना, अब सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही। अपनी आंखें बंद कर दो, नींद अपने आप ही आ जाएगी। एक मिनट, तुम चली गई तो? नहीं, हम यहीं रहेंगे। आओ बेटा खाना खाओ। नहीं नहीं आंटी, माँ ने घर पे खाना बनाया है, हम लोग घर जाकर ही खाना खा लेंगे। फोन भी नहीं लग रहा है, किसी को पता है कि पापा कहाँ गए हैं? उन्होंने चाचा के लिए नोट भिजवाया है, वो फार्म हाउस पर है। फार्म हाउस? भाईसा ने मना किया कि
उनको ना तो कोई फोन करेगा ना उससे कोई मिलने की कोशिश करेगा। मां भूख लगी है, खाना लगा दीजिए। अच्छा अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं है, लक्ष्य खाना खा ले फिर तुम दोनों को छोड़ आएगा। नहीं नहीं माँ, मेरा खाना हो गया, मैंने छोड़ के आता हूँ। रागिनी तारा बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी आप प्लीज थैंक यू मत बोलिए, रागिनी तो इस घर की होने वाली बहू है, इसका फर्ज है। ये तो वो तो कल सवेरे भी आएगी ना रागिनी, मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया तुम्हारे साथ, तुम्हारे को माफ कर दे। तू बहुत ही चौकी छोरी है, हमारे से बहुत बड़ी गलती होगी तुझे पहचानने में, माफ कर दे हमारे को। नहीं नहीं चाची, हमसे माफी मांग के आप हमें शर्मिंदा मत कीजिएगा, हम कल सवेरे आ जाएंगे। अब चले, हम चलते हैं। बाय, गुड नाइट, हम चलते हैं। तुम रुको प्लीज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।